अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आ गई हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो ये जुम्मे का दिन था और जुम्मे का दिन आप लोग को पता होता है कि हम बाहर ही गुजारते हैं, तो नमाज के बाद हम बाहर खाना खाने चले गए थे। तो ज़्यादा तो फैमिली नहीं जाती, बस हम लोग की फैमिली और हमारे सिस्टर की फैमिली होती है। तो हम अच्छी जगह देख कर, मौसम भी बहुत खूबसूरत था, तो हम समंदर में बैठ के खाना खा रहे थे। तो जी ये रूस बुखारी हमने ली थी और हमने सिसा लिया था शवाया और फहम। फहम टिक्का होता है जो कोयलों पे बना होता है, और शवाया जो ग्रिल होता है ओवन में वो। और ये दोनों इधर उधर भागे थे, मेरे अबू ने वहाँ पर स्टैचूस बने होते तो उसके ऊपर बिठा दिया था कि ताकि इधर उधर भागे नहीं। तो हम इनका फोटो शेयर ले रहे थे, बिठा बिठा के इनकी तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा था। धूप निकली हुई थी पर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो जी हम लोग ने खाना वाना करके असर के टाइम हमें मेरी सिस्टर ने जो बड़ी उनको कहीं जाना था और हमें भी शॉपिंग के लिए जाना था। तो लॉकडाउन के बाद से हम इस तरह शॉपिंग भी नहीं कर पाए, और क्योंकि उसके बाद से वैरायटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं आई थी। तो हम गए थे टॉप 10, लेकिन टॉप 10 सिर्फ नाम का टॉप 10 रहा है। वहाँ पर अब कोई भी चीज़ 10 रियाल की नहीं मिलती, वहाँ पर 10 रियाल से ऊपर की मिलती, बिकॉज टैक्सेस और सब कुछ लग गया। तो हमने लेने थे शूज़, कपड़ों की वैरायटी ज़्यादा नहीं अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पर सब आए हुए थे विंटर कलेक्शन, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती नहीं है जितनी ये लोग विंटर कलेक्शन लगा देते हैं। और ये जो बैग्स लगे हुए थे ये काफ़ी अच्छे हैंड बैग्स लगे हुए थे 12 रियाल के, और जो ये स्कूल बैग्स होते हैं जो स्टाइलिश होते हैं ये 24 रियाल के लगे हुए थे, अच्छी क्वालिटी के और ज़बरदस्त थे। और जो ये शूज़ थे काफ़ी स्टाइल के थे, बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक सबके 24 रियाल के लगे हुए थे टॉप 10 में। और ये स्टाइलिश जो शादी में बैग लेने के लिए होते हैं ये भी 12 रियाल के थे। और ये शूज़ मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन ये 24 के थे और काफ़ी ही बड़े थे, यानी पैर से भी ज़्यादा ही बड़े। तो अम्मी ने कहा क्या लेना है इसको, और ये छोटा भांजा इसके साथ खेल रहा था कि उसको काफ़ी क्यूट लग रहे थे। हम चारों बहनों को शूज़ लेने थे बिकॉज मेरी सिस्टर्स हैं वो जाती हैं ट्यूशन, और यहाँ पर हम ज़्यादातर शूज़ ही पहनते हैं बिकॉज जो सैंडल्स होती हैं चप्पलें होती हैं जो स्लीपर्स होती हैं वो ज़्यादा नहीं पहनते हैं। और ये जैकेट्स भी लगी हुई थी 36 रियाल की जैकेट्स थी, और ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और ये देखिए शूज़ काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त होते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था स्वेटर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटा था, लाइक मैं नॉर्मल टाइम पर भी नहीं पहन सकती। और देखें आप कि धूप निकली हुई थी, और ये नमाज का टाइम हो गए थे तो हम बाहर आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, और ये टूटू मछलियाँ कर रहा था। तो जी ये शूज़ हमने सिस्टर्स ने लिए थे, काफ़ी अच्छे और ज़बरदस्त से थे, और काफ़ी ज़बरदस्त और लाइक मजबूत भी हैं। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग आप सबके लिए, और मिलती हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ।